हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल JMBC टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तो जैसे बाजार में हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं और उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तो जैसे हमारी कोई वस्तु है और उसकी कीमत कितनी है, 599 रुपये, और उस पर हमें छूट मिल रही है, 20% छूट मिल रही है। तो इसका डिस्काउंट हम कैसे निकालें। तो दोस्तों, हम डिस्काउंट दो तरीक़ा से निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट तरीका रहेगा ये, तो ये हमारा पहला मेथड रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी वस्तु की कीमत कितनी है, 599, तो उसको लिख लेंगे। इस पर हमें छूट कितनी मिल रही है, 20%। तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100% की बट्टे में 100 आ जाएगी। 10 से 10 कट जाएगी। इसके बाद 599 × 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1198/10। अब हम 1198 × 10 का भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 1198 लिख लेंगे। अभी देखेंगे 10 में कितनी 0 है, तो 10 में 10 है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ 100 होती तो पीछे से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाते, अगर यहाँ 1000 होती तो पीछे से हम 3 संख्या छोड़कर के पॉइंट लगाते। तो यहाँ कितनी 0 है, 10, तो हम पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो उस वस्तु पर हमें कितनी की छूट मिल रही है, 119.8 रुपये की हमें छूट मिल रही है। तो जो वस्तु हमारी पहले कितने की थी, 599 रुपये की, लेकिन उस पर हमें छूट मिल रही है 119.8। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 479.2 आएगा, इतने रुपए की हमें वो वस्तु पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे तरीका से डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तुम्हारी वस्तु की कीमत कितनी है, 599 रुपये, और हमें छूट कितनी मिली, 20% की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वस्तु होती है उसकी कीमत हमेशा 100% होती है। हर वस्तु की कीमत क्या होती है, 100% होती है, लेकिन इस पर हमें 20% की छूट मिल रही है। तो 20% तो हमें छूट मिल रही, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो उस वस्तु का हम 80% निकालेंगे। तो जो हमारी वस्तु की कीमत क्या है, 599, इसका हम कितना निकालेंगे, 80% निकालेंगे, जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 10 से 10 कट जाएगी, 10/10, 599 × 8 से करेंगे तो आएगा 4792। अब इसमें हम 10 से भाग देंगे, तो सबसे पहले हम 4792 लिख देंगे। अब ये देखेंगे 10 में कितनी 0 है, तो 10 है, तो पीछे से हम एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे तो वह वस्तु हमें कितने की पड़ेगी, 479.2 रुपये की हमें पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तो यहाँ वस्तु की कीमत कितनी दी है, 999 रुपये, और इस पर हमें छूट मिल रही है 30% की। तो इसको हम दो तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा, तो वस्तु की कीमत क्या है हमारी, 999, तो 999 लिख लेंगे। इस पर हमें कितनी छूट मिल रही है, 30% की, तो 30% को हम क्या लिखेंगे, 30/100, 10 से 10 कट जाएगी, यहाँ क्या बचा है, 10। 999 × 3 से करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2997। अब हम क्या करेंगे, 10 का इसमें भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2997 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे 10 में कितनी 0 है, तो 10 में 10 है, तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो उस वस्तु पर हमें कितने की छूट मिल रही है, 299.7 रुपये की हमें छूट मिल रही है। तो अब हमें वो वस्तु कितने की पड़ेगी, तो उसकी कीमत क्या थी पहले, 999 रुपये, लेकिन इस पर हमें छूट मिल रही है 299.2
7 रुपये की। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 699.3 रुपये आएगा, वो वस्तु हमें इतने रुपए की पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से हल करेंगे। तो हमारा दूसरा मेथड रहेगा, तो जो वस्तु थी हमारी वो कितने रुपए की थी, 999 की, हमें उस पर छूट कितनी मिल रही थी, 30%। तो हर वस्तु की कीमत 100% होती है, तो 100% में से अगर हम 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70%। तो उस वस्तु का हमें रुपया कितना देना है, 70% देना है। तो 999 का हम कितना निकालेंगे, 70% निकालेंगे, जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 10 से 10 कट जाएगी, यहाँ क्या बचा है, 10। 999 गुणा हम 7 से करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 6993। इसमें हम 10 से भाग देंगे तो सबसे पहले हम 6993 को लिख लेंगे, 10 में कितनी जीरो है, 10। तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 699.3 रुपये, वह वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी, 699.3 रुपये की पड़ेगी। अब हमें दुकानदार को ये रुपये देने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो हमारा प्रश्न ये कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 499 रुपये, और उस पर छूट मिल रही हमें 20%। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।